ये सलीमाबाद है और यहाँ राधा कृष्ण मंदिर है सलीमाबाद में। ये बहुत दूर दूर में, बहुत दूर दूर इसका प्रचार है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और अभी यहाँ पर सुबह की आरती चल रही है तो काफ़ी लोग सुबह आरती में इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो भी इस आरती में शामिल होते हैं और आरती बोलते हैं। और गांव के लोग भी आते हैं यहाँ पर और वो लोग भी आरती के अंदर शामिल होते हैं। और आरती में लगभग 20 से 25 मिनट आरती में लग जाता है। और ये मंदिर के बाहर का ग्राउंड है। ये अभी आरती समाप्त हो गई है। अब लोग बाग यहाँ पे श्री जी महाराज जो शांत हो गए, उनकी मूर्ति है, उनके सामने दंडवंत प्रणाम कर रहे हैं। वहाँ पे जो एकत्रित होते हैं लोग, वो भी इनको दंडवत प्रणाम करते हैं। ये आरती समाप्त हो गई है और यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं वो श्री जी महाराज को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद में यहाँ प्रसाद वितरण होता है। यहाँ पर सबको प्रसाद मिल रहा है। यहाँ पर प्रसाद लेके और निकलते हैं मंदिर से। थोड़ा सा डाल, थोड़ा इससे कम नहीं। और बच्चे वगैरह काफी इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर प्रसाद के लिए। मंदिर के पीछे की साइड में एक इनका भोजनालय है, जो बाहर से जो भी लोग आते हैं वो वहाँ पे प्रसाद के रूप में भोजन करते हैं। और यहाँ के जो स्कूल के हॉस्टल के जो विद्यार्थी है वो भी वहाँ पे वहाँ से नाश्ता मिलता है उनको। ये मंदिर के जस्ट पीछे की ओर ही है, आरती होगी क्या? इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अब हमने आरती भी कर ली तो अब हम खाना खा रहे। इधर मिल रहा है तो अब हम इसके बाद जाएंगे अजमेर। मजा आएगा दीदी की। ये मंदिर का मुख्य द्वार है और यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के दिन काफी लोग बाहर से आते हैं गुरु बनाने के लिए। तो यहाँ उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा उत्सव होता है यहाँ पर। और एक जन्माष्टमी पर भी यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होता है। जन्माष्टमी के दिन भी यहाँ पर राधा कृष्ण भगवान का, और उसमें भी खूब दूर दूर से लोग आते हैं और भजन वगैरह होते हैं। अब मंदिर से हम लोग बाहर आ रहे हैं। अब ये अब जो श्री जी महाराज की समाधि है, जहाँ पे उनको अंतिम संस्कार किया गया है, वो वहाँ पे पास में ही स्थान है। तो आज अब वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ का भी व्यू हम आपको दिखाते हैं।
अब हम वहाँ श्री जी महाराज की जो समाधि है वहाँ जा रहे हैं। तो ये पास में ही एक बहुत बड़ा गार्डन है, तो वहाँ पर उनकी समाधि बनाई हुई है। और अभी समाधि का जो ये काम है अभी चल रहा है यहाँ पर काम। और ये सामने जो दिख रहा है वो समाधि स्थल है महाराज श्री की, वो उसका अभी काम पूरा नहीं हुआ है और काम उसका चल रहा है अभी।